निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर एस्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। राष्ट्रीय लोक अदालत में आए और हमारे जो भी फैमिली मैटर्स थे वो सब क्लियर हो गए। बस कितना टाइम हो गया कि कोर्ट में आप? 9:30। वजह क्या थी? कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और फैमिली। आप साथ रहोगे? बिल्कुल। आपका नाम? पूजा साथ। हम राष्ट्रीय लोक अदालत के उपलक्ष्य पे आए हैं दोनों। क्या वजह? वजह यह है कि हमारे जो भी मसले थे, झगड़ा था, जो भी किसी भी तरह पारिवारिक था, कुछ भी तरह का, तो हम दोनों ने साथ वो सारे विवादों को हटा करके एक साथ रहने का मानस बनाया और इस लोक अदालत के जरिए हमने वापस एक होने का निश्चय किया। कब हुई थी शादी? कितना टाइम हो गया? हमारी शादी है तो करीबन 11 साल होने जा रहे हैं। हम करीबन आफ्टर 9.5 साल के बाद एक हुए हैं। हाथी बाटा अब एक हो गए? जी हाँ। धर्मेंद्र साथी। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान राज्य में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में सुबह 9 बजे से ही पब्लिक का आना शुरू हो गया है। और अभी हम फैमिली कोर्ट आए हैं, जहाँ पे भी कुछ जो पारिवारिक विवाद संबंधी जो मामले थे वो निपटाए गए हैं, जिसमें रीयूनाइट होकर के जोड़े पुनः एक दूसरे को माला पहना करके, मिठाइयाँ खिला करके और अच्छे राजी खुशी अपने परिवार को बसाने के लिए, अपने बच्चों को और माता पिता का सम्मान बढ़ाने के उद्देश्य से एक होकर के वापस अपने मुख्य धारा में, घरों में जा रहे हैं। ये बेहद खुशी की बात है। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जा रहा है। हमने यहाँ अजमेर में 47 बेंच का गठन किया है, जो विभिन्न मामलों को लेकर के और निपटाने में पीठासीन अधिकारी और पैनल लॉयर्स और जो बेंचेज हैं वो लगी हुई हैं। और हमें आशा है कि बड़ी अच्छी संख्या में आज राजीनामा के माध्यम से मामले निस्तारित होंगे। हमारा लक्ष्य है 1800 केसेज का, कम से कम जो पेंडिंग है, पेंडिंग केसेज में से 1800 केसेज निपटाने का है। इसके अलावा कई मामले ऐसे भी हैं जो अभी अदालतों में नहीं गए हैं और उनमें प्री लिटिगेशन के रूप में राजीनामा के पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि कोई मामला न्यायालय में पहुंचे उससे पहले ही उसका निस्तारण किया जा सके। और बड़ी संख्या में जो है, जो माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री अनुप सक्सेना जी के निर्देशानुसार सुबह से ही हमारे सारे पीठासीन अधिकारी पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर और समस्त तालुकाओं में बेंचेज का गठन करके और राष्ट्रीय लोक अदालत के मार्फत मैक्सिमम केसेज का राजीनामा के माध्यम से निस्तारण किया जा रहा है, जिनमें MSET केसेज हैं, बैंक रिकवरी केसेज हैं, लेबर केसेज हैं, लैंड डिस्प्यूट्स वाले हैं, रिकवरी मैटर्स हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स हैं और जितने कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं और जो क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेज हैं, तो इस प्रकार के जितने भी केसेज हैं, NI एक्ट के केसेज हैं, उन सभी केसेज का राजीनामा के माध्यम से भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि लोक अदालत के बहुत फ़ायदे हैं। इनसे आपसी संबंध अच्छे बने रहते हैं और जो कोर्ट फीस है वो वापस हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए विवाद जो है जड़ से समाप्त हो जाता है।